हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता देना चाहूँगा ये पार्ट टू है। पार्ट वन आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर वन। व्हेन यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज फॉर कॉस्ट डिमांड वन वुड, आपको बता देना चाहूँगा जब भी हम सिंपल मूविंग एवरेज मेथड का यूज करते हैं उसमें हमें आपको दिया रहता है, मान लीजिए फॉर कॉस्ट पीरियड वन का F1 और पीरियड टू का F2 एंड F3 एंड F4 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अगर हमें पीरियड फाइव का चाहिए तो अगर डिस्कार्ड बोल रहा है कि आपको एवरेज आप 3 ईयर लेना है तो हम रिसेंट का लेंगे। दोस्तों हमें F5 निकालने के लिए हम रिसेंट के जो हैं F4 प्लस F3 प्लस F2 का एवरेज ले लेंगे। तो यही आपका स्टेटमेंट बोलता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्लूड न्यू डिमांड डाटा इन एवरेज आफ्टर डिस्कार्डिंग सम ऑफ अर्लियर डिमांड डाटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉट टेक्निक ऑफ लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, तो आपको बता दें मार्केट सर्वे एंड रिसर्च ये लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है। वहीं बात करें डेल्फी मेथड की तो इसमें भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। इसमें आपके कुछ एक्सपर्ट जो आपके डिस्कशन करते हैं अबाउट मार्केट सर्वे एंड प्रोडक्ट डिमांड की, और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी आपका लॉन्ग टर्म मेथड है। जो आपका ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मेथड है ये दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपको बता दें लॉन्ग टर्म लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग होती है ग्रेटर देन 1 ईयर, वहीं लेस देन 1 ईयर होती है तो आपके शॉर्ट टर्म रेंज में आती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, यूजिंग द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड द फॉरकास्टिंग व्हाट विल बी द फॉरकास्ट फॉर द 4 वीक ऑफ एक्चुअल एंड द फॉरकास्टिक डिमांड फॉर 3rd वीक इज 480 एंड 500 रेस्पेक्टली अल्फा इजकल टू 0.2। आपको बता दें फॉरकास्ट ऑफ प्रेजेंट इजकल टू फॉरकास्ट ऑफ प्रीवियस FT माइनस वन को हम प्रीवियस लिख रहे हैं, FT आपका प्रेजेंट को लिख रहे हैं, प्लस अल्फा इनटू डिमांड ऑफ प्रीवियस माइनस फॉरकास्ट ऑफ प्रीवियस वीक। तो आपको बता दें यहाँ पे दिया है आपका जो फॉरकास्ट ऑफ प्रीवियस वीक दिया है वो दिया है आपका 500 प्लस अल्फा दिया है 0.02। वहीं बात करें डिमांड की तो दिया है एक्चुअल डिमांड आपका है 480 माइनस 500, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 496। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है दोस्तों स्मूथिंग कांस्टेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो, आपको बता दें मूविंग एवरेज मेथड ए की बात करें तो ए मूविंग एवरेज मेथड जो होता है वो जो होता है आपका फॉरकास्टिंग में, तो ए का हो जाएगा 3। वहीं लाइन बैलेंसिंग की बात करें तो आपका होता है वो यूज होता है असेंबली में, तो आपका बी का हो जाएगा 1। बात करें इकोनॉमिक बैच साइज की तो आपका ये होता इन्वेंट्री में यूज होता है दोस्तों, ये होता परचेज के लिए परचेजिंग इन्वेंट्री, तो सी का आपका हो जाएगा 2। डी की बात करें जॉनसन एल्गोरिदम, तो जॉनसन एल्गोरिदम यूज होता है इन सिक्वेंसिंग प्रोसेस, तो आपका डी का मैच करेगा 4 से। तो हम मैच कराएंगे ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फॉरकास्ट एरर, तो आपको बता दें मैड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है दोस्तों वो आपका मेजर करता है फॉरकास्ट एरर, आपका आंसर हो जाएगा ए। वहीं बात करें इसके वैल्यू की, तो इसका होता है समेशन ऑफ डिमांड माइनस फॉरकास्ट का मॉडुलस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड, तो आपको ये ध्यान रखना है मैट का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन पार्ट एनालिसिस द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, तो आपको बता दें जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है दोस्तों उस पे आपका जीरो फ्लोट ऑब्जर्व होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो फ्लोट। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है दोस्तों मैक्सिमम टाइम आपका कंज्यूम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन पार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम इज एज्यूम टू बी, तो आपको बता दें जो एक्टिविटी होती है दोस्तों उस पर आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपको ध्यान रखना है एबीपी न्यूज़ एक्टिविटी बीटा प्रोजेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद रखना है एबीपी न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ अर्लियर स्टार्टिंग टाइम हैज फॉर एक्टिविटी इज 8 वीक द लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम इज 37 वीक द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज 11 वीक्स द टोटल फ्लोट इक्वल टू, कुछ ऐसा बोलना चाह रहा दोस्तों, ये हेड है आपका, ये टेल है एक्टिविटी का। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम दिया है ई आई इजकल टू आपका 8 वीक दिया है, वहीं लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम दिया है दोस्तों एल जे आपका दिया है 37 वीक। बात करें टाइम की, टी आई जे जो है दोस्तों वो लग रहा है आपका 11 वीक, तो इसमें आपका जो टोटल फ्लोट का फार्मूला होता है वो आता है एल जे लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस टाइम कंज्यूम बाई एक्टिविटी, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम 37 माइनस 8 माइनस 11, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 वीक आ जाएगा, तो यहाँ से आपका मैच कर जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है जो टोटल फ्लोट होता है दोस्तों वो मैक्सिमम आपका रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसके बाद आपकी आती है फ्री फ्लोट की, फिर आपका आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। अगर हम एक बार टोटल फ्लोट पा जाएंगे तो फ्री फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैक, ये आपका हो जाएगा फ्री फ्लोट के लिए। वहीं बात करें इंडिपेंडेंट फ्लोट की, तो आपको फ्री फ्लोट से माइनस कर देना है आपका टेल स्लैक को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार आप टोटल फ्लोट पा जाएंगे फिर टोटल फ्लोट से हेड स्लैक माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट से टेल स्लैक माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, रूटिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिपर टू, आपको बता दें ये एक सिक्वेंसिंग प्रोसेस होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म्ड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड द डिस्पैचिंग, तो इसमें दोस्तों मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्टार्टिंग कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, द अप्रेजल ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वर्क आइटम ऑफ टाइम, ये भी गलत है दोस्तों, टेकिंग ऑल सच स्टेप विच आर मीन टू अफेक्ट एंड इम्प्लेंट प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान, दोस्तों डिस्पैचिंग में आपका
आप सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द जॉनसन्स रूल्स इज अप्लीकेबल प्लानिंग एज जॉब्स ऑफ फॉर, तो आपको बता दें ये जॉनसन्स रूल यूज होता है आपका सिक्वेंसिंग प्रोसेस के लिए, ये आपका यूज होता है आपका टू मशीन्स एंड एन जॉब, टू मशीन्स एंड एन जॉब के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें मान लीजिए आपके पास दो मशीनें M1 और M2 आपको दिया गया है, जो टाइम है ए मान लीजिए ए बी सी, ए के लिए आपको 2 आवर दिया गया है, बी के लिए 3, सी के लिए 6 M1 पर, वहीं M2 पर आपका 4, 1, 5 दिया है, तो हम इसमें सिक्वेंसी करते हैं, लेफ्ट में देखते हैं M1, जितने आपकी वर्क होते हैं जॉब होते हैं उतने खाने खींच लेते हैं, तो 3 जॉब है ABC, तो 3 खाने खींचे दोस्तों, और राइट में लिखते हैं M2, तो मिनिमम जो टाइम होता है दोस्तों M1 M2 को उस साइड से लिखते हैं, हम देखेंगे मिनिमम आपका 1 दिख रहा है जो कि M2 की तरफ से है, तो हम लिख लेंगे B। फिर 1 से बड़ा आपका दोस्तों है M1 और M2 में, A में दिख रहा है 2, तो A आपका हो जाएगा लेफ्ट से, बचा हुआ C, तो आपको ऐसे सिक्वेंसिंग करनी है। आइए आपको सबसे पहले मिनिमम देखना है, फिर उससे बड़ा देखना है, जिस मशीन पे हो उस साइड लिख लेना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हम सिक्वेंसिंग करते कैसे हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फार 4 जॉब टू बी प्रोसेस ऑन ए मशीन एज पर डाटा लिस्टेड टेबल, आपको जॉब दिया है 4 जॉब हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग टाइम दिया है आपका, अलग अलग ड्यू डेट दिया है, ड्यू डेट मीन्स आपका डिलीवरी डेट होता है दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इफ़ अर्लियर ड्यू डेट रूल इज़ यूज टू सिक्वेंस जॉब द नंबर ऑफ जॉब डिले, आपको बता दें जब अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल फॉलो करते हैं तो जो टार्डीनेस होता है, जो लेटनेस होता है, वो हमारा मिनिमम आता है। बात करें अगर हम सीरियस वाइज देखें अर्लीस्ट ड्यू डेट पे, तो आपका हो जाएगा 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका दिया है 4, 7, 8, 2। अब हम कुमुलेटिव टाइम निकालेंगे दोस्तों, कुमुलेटिव टाइम क्या होगा, जो प्रोसेस लगेगा आपका मशीनिंग करने के लिए वो होगा आपका कुमुलेटिव टाइम, तो ये आपका ऐड होके आएगा, पहले के लिए तो 4 आवर ही लगेगा, फिर जो अगला वर्क आपका होगा 2 वो आपका ऐड होके होगा, तो 4 + 7 तो आपका हो जाएगा 11, फिर 11 + 8 हो जाएगा 19, 19 + 2 आपका होगा 21। अगर बात करें ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट आपका फर्स्ट का दिया है 6, आपका सेकंड का है 9, फोर्थ का है 19, फिर आपका 17 आपका थर्ड का है। बात करें टार्डीनेस की, तो दोस्तों टार्डीनेस होता है आपका प्रोसेसिंग टाइम माइनस ड्यू डेट, कुमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम माइनस ड्यू डेट, अगर ये पॉजिटिव आता दोस्तों तो आपका होता है लेटनेस, अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हमारा जॉब लेट नहीं है। बात करें सेकंड जॉब की, तो ये आपको देख रहे हैं 11 - 9 तो आपका पॉजिटिव में आ रहा है +2, तो एक जॉब ये लेट हो गया। वहीं बात करें 19 - 19 ये है 0, तो ये आपका लेट नहीं हो रहा है, डिलीवरी डेट पे डिलीवर हो रहा है। वहीं बात करें जॉब थर्ड की, तो 21 - 17 तो ये आपका रहा है 4, तो आपका देख रहे हैं यहाँ से आपका 2 जॉब लेट हो रहे हैं, लेटनेस मीन्स होता है टार्डीनेस दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको अर्लीस्ट ड्यू डेट के सीक्वेंस में आपको देखना है, तो आप ध्यान रखना है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, यूजिंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग मेथड रूल द टोटल टार्डीनेस, तो आपको बता दें जब भी हमें शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग रूल के हिसाब से हमें सिक्वेंसिंग करनी है, तो आपका सिक्वेंसिंग हो जाएगा दोस्तों, सिक्वेंसिंग जो बनेगा 3, 1, 2, 4,
जो प्रोसेसिंग टाइम दिया है दोस्तों वो आपका दिया है 2478। बात करें कुमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम की तो आपका हो जाएगा 2 2 प्लस 6 4 6 6 प्लस 7, आपका हो जाएगा 13 13 प्लस 8 हो जाएगा 21। वहीं बात करें ड्यू डेट की तो ड्यू डेट है आपका 19 6 9 17। अब बात करें टार्डीनेस की दोस्तों तो हो जाएगा कुमुलेटिव प्रोसेसिंग टाइम माइनस ड्यू डेट। तो यहां से आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है तो आपका ये लेट नहीं है दोस्तों। वहीं बात करें 6 माइनस 6 ये भी आपकी जॉब लेट नहीं है। बात करें 13 माइनस 9 तो हो जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4, 13 माइनस 4 वीक लेट हो रही है दोस्तों जॉब 2। बात करें 21 माइनस 17 तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये भी आपका 4 वीक लेट हो रही है। तो टोटल टार्डीनेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो आप देख रहे हैं 4 प्लस 4 8 वीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 वीक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एन असेंबली लाइन व्हाट इज़ द बैलेंस डिले। आपको बता दें दोस्तों जो बैलेंस डिले प्लस लाइन एफिशिएंसी होती दोस्तों वो इक्वल होती 100% के। अगर हम परसेंटेज में ना लिख के डिजिट में लिखे तो होगा बैलेंस डिले प्लस लाइन एफिशिएंसी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका बैलेंस डिले हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस लाइन एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो आपका आंसर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन असेंबली लाइन फॉर द असेंबलिंग टॉय 5 वर्कर आर असाइंड टास्क विच टेक टाइम ऑफ 10, 8, 6 एंड 9 एंड 10 मिनट रेस्पेक्टिवली द बैलेंस डिले फॉर द लाइन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लाइन एफिशिएंसी, तो लाइन एफिशिएंसी होगी दोस्तों आपका टोटल टाइम अपॉन मैक्सिमम टाइम इन 200। बात करें दोस्तों टोटल टाइम तो हम ऐड कर लेंगे आपका आ जाएगा 43। बात करें मैक्सिमम टाइम की, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम लग रहा है वो दोस्तों 10 मिनट लग रहा है और जॉब आपकी है, जॉब है आपकी 5, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 100, हमें परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका 86%। चूँकि ये लाइन एफिशिएंसी है हमें चाहिए बैलेंस डिले, तो हो जाएगा हमारा बैलेंस डिले हो जाएगा आपका 100 माइनस 86, तो आपका हो जाएगा 14%, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो यहाँ पे जो फिक्स कास्ट की वैल्यू है दोस्तों वो है आपका 50,000, ये आपको ध्यान रखना है। द वेरिएबल कास्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 रुपये एंड द सेल्स प्राइस इज 30 पर पीस द ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ। आपको बता दें जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है दोस्तों उसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें जो आपकी टोटल सेलिंग कास्ट होती है वो आपका इक्वल करते हैं दोस्तों टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। यहाँ से हम जब कितना प्रोडक्ट हमें बनाना है ये आपका फार्मूला निकल के आता है, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग कास्ट माइनस वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट आपका दिया है 50,000 डिवाइडेड बाई आपका सेलिंग कॉस्ट दिया है 30 माइनस 20, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा आपका 500, आपको 500 यूनिट बनानी है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्टेड टू x1 less than equal to 4, x2 less than equal to 6, x1
3x1 + 2x2 < 18। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि हमें मैक्सिमाइज करना है जो आपके ग्रेटर या लेस देन वाले वैल्यू हैं इक्वेशन, उनको आप इक्वल में लिख लेंगे। तो आपका पहला हो जाएगा x1 = 4 x2 = 6। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे दोस्तों, x1 = 4 आपका यहाँ से कुछ होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, वहीं x2 = 6 तो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होगा आपका x2 = 6 होगा 0 6। बात करें यहाँ इक्वेशन थर्ड में 3x1 + 2x2 = 18, तो आपको इसमें सबसे पहले x2 को 0 करेंगे तो x1 आएगा आपका 6। तो अब मान लीजिए यहाँ से आपका, तो यहाँ पे अगर x1 4 रखें तो x2 आएगा आपका 6, एंड आपका जो ये निकल के आएगा वो आएगा 4 एंड 3। बात करें इस पॉइंट की तो ये आएगा आपका 4 एंड, अगर हम वैल्यू पुट करें x1 = 0 तो x2 आएगा आपका 6। तो हम चूंकि आपका लेस देन है दोस्तों, तो ये आपका ओरिजिन की तरफ जो एरिया हमें मिलेगा वही हो जाएगा हमारा, जो पॉइंट हमें कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे उन्हें को हमें चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट दे रहा है। अगर हम पॉइंट ए बी से डिफाइन करें सी डी, तो हम पुट करेंगे वैल्यू पॉइंट वैल्यू, अगर ए पे चेक करें तो आपका था 4 0, तो हो जाएगा 3 × x1 + 2 × 0, तो आपका आएगा 4 3 12, जेड डे आएगा आपका 12। वहीं बात करें बी की, तो बी था आपका 0.4 × 3, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड बी पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 4 + 3 × 2, तो आपका ये आएगा आंसर यहाँ से 18। वहीं पॉइंट सी की बात करें तो इसका आता है 4 × 6, तो जेड सी की बात करें तो आएगा 3 × 4 + 6 × 2, तो ये आ गया 24। तो आपका आंसर हो जाए, आप देख रहे हैं इसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है दोस्तों, तो आपका है 24, जेड सी की वैल्यू है 24, तो आपका हो जाएगा LPP है यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर जेड ए, मान लीजिए जेड बी और जेड सी की वैल्यू बराबर आती तो हमारा आंसर होता मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल द डायमेंशन ऑफ एम एंड एम क्रॉस एन इज सेट टू बी जनरेट इफ है, तो आपको बता दें एफ एन एम इज रो एंड एन इज कॉलम, देन दो अगर एलोकेशन जो है दोस्तों वो लेस देन है एम प्लस एन माइनस वन से, तो आपका जो हमारा सोल्यूशन होगा वो डी जनरेट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी फ्यूअर देन द एम प्लस एन माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स विच है 6 रो, यानी एफ की वैल्यू आपकी दी है 6 एंड 4 कॉलम, आपका एन की वैल्यू दी है 4, नॉट टू बी जनरेट डी जनरेट हाउ मच द नंबर ऑफ एलोकेशन सेल इन मैट्रिक्स, तो आपका जो एलोकेशन होना चाहिए दोस्तों वो इक्वल होना चाहिए एम प्लस एन माइनस वन के, तो आपका हो जाएगा 6 + 4 - 1, तो आपका होना चाहिए 9 एलोकेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाई द नंबर ऑफ अराइवल इन गिवन टाइम ए सिंगल सर्वर क्वेनिंग, तो आपको बता दें जो अराइवल रेटिंग होती है दोस्तों उस पर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें सर्विस रेट की,
उस पे आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम होता है, आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा यूपीएससी, तो आपको याद रखना एपीएससी, अराइवल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बता देना चाहूँगा जो अराइवल रेट होता है दोस्तों, वो आपका लेस एज्यूम किया जाता है टू सर्विस रेट से। अगर अराइवल रेट आपका लैम्डा है और सर्विस रेट म्यू है, तो म्यू आपका हमेशा ज़्यादा होगा दोस्तों। जो सर्विस रेट होगा वो फास्टर से होगा, क्योंकि अगर फास्ट हम सर्विस रेट को ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हमारी क्वीन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आई होप आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इफ़ अराइवल एट द सर्विस फैसिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन रेट ऑफ 10 पर हावर। तो आपका अराइवल रेट दिया है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 10 पर हावर। दोस्तों इसमें आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है फार्मूला अप्लाई करने से पहले। एंड सर्विस आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन सर्विस ऑफ 4 मिनट। आपका दिया है 4 मिनट दोस्तों, तो हम इसको पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 60/4, तो हो जाएगा 15 पर हावर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर मे हैव वेट टू सर्व। दोस्तों वेट करना है तो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो दोस्तों हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 10/15, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3.67%। अगर परसेंटेज में होगा तो दोस्तों 67% हो जाएगा। आई होप आपको ध्यान रखने वाली बात है यूनिट सेम होनी चाहिए दोस्तों फार्मूला अप्लाई करने से पहले। अगर पर मिनट में है तो पर मिनट में दोनों यूनिट होनी चाहिए दोस्तों, पर आवर में तो पर आवर में रखना है दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द मीन अराइवल रेट इज इक्वल टू 10 पर हावर। आपका दिया है लैम्डा दोस्तों 10 पर हावर, वही मीन सर्विस रेट इज 15 पर हावर, म्यू दिया है दोस्तों 15 पर हावर। द एक्सपेक्टेड क्यून लेंथ, तो आपको बता दें जो एक्सपेक्टेड क्यून लेंथ की वैल्यू आती है वो होती है लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आपका है लैम्डा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10। यहाँ से आ जाएगा आपका दोस्तों 10 × 10 डिवाइडेड बाई 15 × 5, तो यहाँ से आएगा 1.33। वहीं बात कर ले लेंथ ऑफ सिस्टम की, तो हो जाएगा दोस्तों लैम्डा अपान म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। लेंथ ऑफ सिस्टम हमेशा ग्रेटर होगी दोस्तों लेंथ ऑफ क्यून की। लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये क्यून है, बाहर लोग खड़े हैं सर्विस के लिए, जो बंदा सर्विस ले रहा है अगर हम उसको भी ऐड करके फाइंड करते हैं तो वो होती है लेंथ ऑफ सिस्टम। अगर हम उसको एक्सक्लूड करें तो जो बाहर लोग खड़े हैं वो होती है लेंथ ऑफ क्यून। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज क्वांटिटी एट विच द कास्ट ऑफ कैरिंग। तो आपको बता दें जो ईओक्यू मॉडल होता है दोस्तों, उस पर जो कैरिंग कास्ट होता है वो इक्वल होता है ऑर्डरिंग कास्ट के। यही आपकी कंडीशन होती है जो कि मिनिमम इन्वेंट्री कास्ट हमें मिलती है। बात करें अगर हम एनुअल डिमांड अगर डी से रिप्रेजेंट करें, वहीं कैरिंग कास्ट को सीसी से और ऑर्डरिंग कास्ट को सीओ से, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर ईओक्यू चाहिए दोस्तों। अगर हम क्यू स्टार से डिफाइन करें तो जो कैरिंग कास्ट होगी दोस्तों वो क्यू स्टार डिवाइडेड बाई यानी एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कास्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कास्ट होगा दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे डिवाइडेड बाई डिमांड डिवाइडेड बाई ई ओ यू क्यू इंटू ऑर्डरिंग कास्ट। यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्यू स्टार हमें चाहिए दोस्तों,
ये हो जाएगा क्यू स्टार का होल स्क्वायर 2DCO/CC। अगर हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट अंडर रूट 2DCO डिवाइडेड बाई सी सी। यहाँ से जहाँ पे आपका D है एनुअल डिमांड, CO है ऑर्डरिंग कॉस्ट और CC है आपका कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना, कई बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ये आपका CC है, CC मीन्स कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द डिमांड रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज़ 12,000 यूनिट पर ईयर। आपको दोस्तों यूनिट देखनी है, पर ईयर और मंथ में पर मंथ दिया रहता है, आपको चेंज करना पड़ता है। द ऑर्डरिंग कास्ट इज 100 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कास्ट इज 0.8 पर मंथ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको दिया है 0.8 पर मंथ, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। इफ़ नो शॉर्टेज आर अलाउड द रिप्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी इज। तो आपको बता दें यहाँ पर डिमांड जो दिया है वो आपका दिया है 12,000 पर यूनिट पर ईयर। दोस्तों वहीं बात करें आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट की, वो दिया है 100 पर ऑर्डर। बात करें कैरिंग कॉस्ट की दोस्तों, तो ये आपका दिया है 0.8 पर मंथ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 12 से। अब चूंकि हमें EOQ चाहिए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं। EOQ को अगर Q स्टार से डिफाइन करें तो हो जाएगा 2 डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कास्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कास्ट। वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा ये 500 यूनिट। वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इन ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ क्लासिफाई टू इन्वेंट्री बेस्ड ऑन। तो आपको बता दें जो ABC एनालिसिस का पहले फूप हम देखते हैं, तो ये होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये दोस्तों मेथड जो यूज होता है, ये आपका होता है वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेज पे। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन ए देखें द वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेज आइटम, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट। दोस्तों जो इसमें हम डिमांड देखते हैं, वो आपका यूज होता है पोरेटो चार्ट से। आपको ये ध्यान रखना है, आपका UPSC में पूछा गया था। दोस्तों ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।